Hey, welcome back students. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स का नाम लिया तो सबसे पहले आता है बाप रे सर न्यूमेरिकल ऑप्शन में डालेगा. दिस इज द कॉमन थिंग स्टूडेंट आस्क मी. सो कोई जरूरत नहीं ऑप्शन में डालने का. मैं जो बोल रहा हूं आप सिस्टमैटिक फॉलो करो. माई चैलेंज गारंटेडली आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे. और न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते तो ही अपने को फुल मार्क्स मिलेंगे. वी आर एमिंग फॉर आउट ऑफ मार्क्स. फिर क्या करना है? सब करना है, सगल करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. अभी बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने जो पढ़ा काइनेमेटिक इक्वेशन उसके सम सॉल्व करेंगे. पहले के बहुत सारे सम्स ऐसे सर्कुलर मोशन के, पर वो 11th में एक्चुअल में काइनेमेटिक इक्वेशन के सम से स्टार्ट होता है. तो हम वहां से टू द पॉइंट से क्या पढ़ना है क्या नहीं मैं बताऊंगा. तो आप स्टार्ट करोगे काइनेमेटिक के सम से. पहला काइनेमेटिक इक्वेशन फटाफट रिवाइज कर लेते क्या क्या आपको पता है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये फर्स्ट काइनेमेटिक है. फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये सेकेंड काइनेमेटिक है. एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा. ये थर्ड काइनेमेटिक है. हर सिंबल का मतलब है प्रीवियस लेक्चर में बताया. तो आपको वो करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो नो यूज ऑफ कमिंग टू दिस लेक्चर. ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो. सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन का सम आया कैसे पता चलेगा? हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करें सर काइनेमेटिक से सॉल्व करना है? तो इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहा हूं. काइनेमेटिक इक्वेशन बिंदास यूज कर सकते हो जब अल्फा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ये पहला चीज समझ में आपको. अल्फा इज कांस्टेंट. व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है काइनेमेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए. सेकंड चीज, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पहले भी है वो भी लगेंगे. ऐसे नहीं कि इन तीनों पे ही सॉल्व रहेगा. जैसे कि ओमेगा ज्यादा करके डायरेक्टली नहीं देते. मैंने देखा मतलब मेनी अ टाइम ओमेगा इज नॉट गिवन डायरेक्टली. आइदर फ्रीक्वेंसी देते या फिर टाइम पीरियड देते मैक्सिमम टाइम. तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया है सपोज ये फर्स्ट काइनेमेटिक है, ये सेकेंड काइनेमेटिक है, ये थर्ड काइनेमेटिक है. अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2πn, प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने. और अगर आपको टाइम पीरियड दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2π अपॉन कैपिटल टी. ठीक है, तो ये याद रखो कि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, ओमेगा नहीं दिया रहता है तो ओमेगा आइदर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा या फिर टाइम पीरियड दिया रहेगा. तो हम ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते. तो ओमेगा फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है. और दूसरा थीटा फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो भी समझ लो. अभी सोचो कि थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने एक रिवोल्यूशन किया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? तो आंसर है 2π. दो रिवोल्यूशन किया तो कितना हो गया? 4π. तीन रिवोल्यूशन किए तो कितना हो गया? 6π. तो थीटा का एक फॉर्मूला मैं ऐसे बना सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 2π इनटू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन स्टैंड फॉर रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. कितने बार घूम रहा है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं दिया है. तो ये फॉर्मूला थीटा फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो सोचो अगर कोई बॉडी 100 रिवोल्यूशन कर रहा है, 100 तो 100 इंटू 2π तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितनी है ना थीटा की वैल्यू? इट इज गोइंग टू बी 200π. ठीक है, समझा कब यूज करना है क्या यूज करना है. चलो स्टार्ट करते टेक्स्ट बुक के सम से. एक सॉल्व एग्जांपल सबसे पहले वाला क्या दिया देखो. ए फैन इज रोटेटिंग, ए फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm. एक फैन 90 rpm पे घूम रहा है. तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं डेटा. क्या लिखा मैंने यहां पे? डेटा. ओके, तो डेटा में हम लिख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 90 rpm. तो इनिशियल है तो उसको मैं n नॉट लेता हूं 90 rpm.
बच्चों आरपीएम हम कभी नहीं रखते, आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60। याद रखो कन्वर्जन भी लिखा है मैंने, आरपीएम को किस में बदल दिया, आरपीएस में, डिवाइड बाय क्या किया 60। ओके तो ये 90 आरपीएम दिया है, फिर मैं इसको लिख सकता हूं 90 अपॉन 60 तो दैट इज 3/2 हर्ट्स, बराबर ही नहीं, 0-0 कैंसिल हो गया और 3 के टेबल से आंसर आ गया। तो एक फैन 90 आरपीएम पे घूम रहा है और उसको बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया और 21 रिवॉल्यूशन करके वो रुक गया। समझ में आ रहा है 21 रिवॉल्यूशन किए, क्या दिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल एन, कितना दिया भाई 21 और फिर वो रुक गया, मतलब उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0, फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0। ठीक है तो चलो ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल एन कितना है 21 और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई उसकी 0 हर्ट्ज। और हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने के लिए, मतलब 90 आरपीएम पे घूम रहा था, इट इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम आणि मग तो लेवन थांबायचं, इट हैज टू स्टॉप, तो कितने टाइम के बाद आके रुका, मुझे फाइंड करना है, तो टी फाइंड करना है। ठीक है तो टी मुझे फाइंड करना है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन चलो प्लान बनाते हैं। पहला तो लिख देते एन नॉट क्यू दिया रहेगा, ओमेगा फाइंड करने के लिए इनिशियल 2 पाई एन नॉट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 पाई इंटू 3/2 2 कैंसिल आंसर आएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, क्या आएगा रेडियन पर सेकेंड, यूनिट याद रखो बॉस, यूनिट याद रखो, ये क्या हो गया ओमेगा नॉट। अच्छा ओमेगा कितना मिलेगा 0 मिलेगा, हर्ट्ज, हर्ट्ज लिखो या फिर सिंपल वे में रेडियन पर सेकेंड लिखो। ठीक है तो एन 0 है तो ओमेगा 0 हो गया, तो ये इनिशियली ये फाइनल है। थीटा पता चलेगा बच्चों, थीटा क्योंकि कैपिटल एन दिया है तो थीटा कैपिटल एन से मिलेगा, तो 2 पाई इंटू 21 तो आंसर आएगा 42 पाई रेडियन। तो देखो ये मुझे डेटा से डायरेक्ट मिल गया, मतलब मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं क्या सॉल्व करना है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी से मैं ओमेगा नॉट निकाल सकता हूं, एन से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, ओके 0 है और जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 21 रिवॉल्यूशन कर रहा है उससे मैंने क्या फाइंड किया थीटा फाइंड किया। ठीक है अभी ये सारी चीजें हो गई, टाइम फाइंड करना अभी अभी कॉन्सेप्ट पे, अभी टाइम फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे टाइम, फर्स्ट इक्वेशन से मिल सकता है, सेकंड इक्वेशन से मिल गया, अल्फा कांस्टेंट है, देखो उसने नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है नीचे स्टेटमेंट में उसने, नीचे देखो एकदम लास्ट वाला एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई बाहर से टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो गारंटेडली अल्फा कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम है और इसमें टाइम है। चल मेरे साथ बात करो, मेरे साथ बात करो, मतलब वीडियो लेक्चर है तो ऐसा नहीं कि इंटरेक्ट नहीं करोगे, बात करो, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, इधर से टाइम मिल सकता है, दिमाग में थोड़ा सा दोनों को देख के बता देते यार पहला इक्वेशन ज्यादा इजी है, पहला इक्वेशन से आंसर चाहिए, ठीक है पहला इक्वेशन से आंसर लाते हैं, पर अल्फा नहीं पता ना, वैसे भी अल्फा चाहिए काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने के लिए, बिना अल्फा का सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, तो अल्फा अगर किसी तरह मिल गया तो मुझे टी मिल जाएगा, यस और नो, मुझे अल्फा चाहिए, व्हाट आई वांट इज अल्फा, तो कहां से मिलेगा थर्ड काइनेमेटिक से मिलेगा, देखो ना सारे वैल्यूज पता है तो थर्ड काइनेमेटिक यूज करो, तो थर्ड काइनेमेटिक क्या है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सारे वैल्यूज आपको पता है ऊपर, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, समझतेगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 3 पाई का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, ओके प्लस 2 इनटू अल्फा फाइंड करना है, थीटा कितना है 42 पाई, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस 9 पाई स्क्वायर, चलेगा का ये प्लस 9 पाई स्क्वायर को यहां पे लाया माइनस 9 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42 है ना 42 पाई इंटू 2 अल्फा, तो अल्फा क्या मिलेगा माइनस 9 पाई स्क्वायर अपॉन 84 पाई, एक पाई कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में तो नहीं जाता है 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा और 3 28 जा
तो आंसर आएगा माइनस 3 pi अपॉन 28 यूनिट वर्क का लिख ले रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या लिखा मैंने, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यूनिट लिखोगे ना हाफ ऑफ मार्क कट हो जाएगा, पहले लेक्चर में बता रहा हूं मैं न्यूमेरिकल के, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और मुझे बताओ माइनस में आना भी जरूरी है क्योंकि फैन रुक रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है तो डिसेलरेशन आएगा, तो आंसर नेगेटिव मध्ये येणार, अल्फा विल बी इन नेगेटिव ओनली, मतलब अपन बराबर कर रहे, टेंशन घ्यायची गरज नाही। अभी अल्फा मिल गया, सब मिल गया, तो चलो लगा देते फर्स्ट काइनेमेटिक। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, कूटे गेला ओमेगा नॉट 3 pi। ओके अल्फा की वैल्यू, सॉरी प्लस है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अपने को मिली माइनस 3 pi/28 इंटू टी। अच्छा इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, 3 pi/28 t इज इक्वल टू 3 pi। 3 pi 3 pi कैंसिल, कितना टाइम लगा बॉस, 28 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते, दिमाग लगाते, कॉन्सेप्ट लगाते। अभी ये टाइप के सम सॉल्व करने को आएंगे आपको, है ना, तो इसके नेक्स्ट वाला सम पहले देखो, खुद सॉल्व करना, फर्स्ट यू ट्राई, सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, सी यू हैव टू फॉलो माय स्टेप्स, तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला करो, रॉन्ग आया तो भी चलेगा, पहला खुद से करो, देखो आंसर आ रहा है क्या, और अगर आंसर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर आगे का पार्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते, सॉल्व किया आप लोगों ने, चलो देखते हैं कितने जन का राइट और कितने जन का रॉन्ग है। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था तो मैं थोड़ा सिंपल रखा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो विदाउट चीटिंग, अगर आपने देखा है किया है तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। ए स्पिन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, इट इज रोटेटिंग एट 15 rps। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 rps। डेटा लिखो, डेटा है ना, कितना दिया है 15 rps। अच्छा आरपीएस का मतलब क्या होता है, हर्ट्स होता है, ऑलरेडी हर्ट्स में, ऑलरेडी आरपीएस में, और वो 5 rps पे स्लो डाउन हुआ आफ्टर 50 revolution। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है अल्फा। ठीक है, अच्छा बताओ पहला चीज जो समझ में आता है, टाइम नहीं दिया बॉस, टाइम इज नॉट गिवन, सो फर्स्ट और सेकंड इज रूल्ड आउट, थर्ड से कैसे सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं पता है, तो थर्ड से ही सॉल्व करेंगे और सारे चीजें आ जाएंगे हमारे पास। सी व्हेन आई नो एन नॉट, सॉल्यूशन देखते हैं, व्हेन आई नो एन नॉट तो मैं ये 2 pi n0 लगाऊं, यस और नो, है ना, तो मला काय मिळणार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनिशियल वाली मिलेगी, कितना मिलेगा भाई 30 pi रेडियन पर सेकेंड, मान दो। फिर n कितना दिया है, 5 rps दिया है, तो 2 pi n तो कितना हो गया, इट इज 10 pi, है ना, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट नहीं लेगा तो हाफ मार्क कट, ये याद रखो, ओमेगा नॉट मिला, ओमेगा मिला। अच्छा कैपिटल n से क्या मिलेगा, थीटा, तो 2 pi N, तो चलो 2 pi × 50, आंसर कितना आएगा 100 pi radian। ओके, तो ओमेगा नॉट मिला, ओमेगा मिला, थीटा मिला, अभी कोई भी सॉल्व कर सकता है यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 alpha theta। ठीक है, तो चलो ओमेगा का स्क्वायर मतलब क्या आएगा बच्चों, 10 pi² है ना, इज इक्वल टू 30 pi² प्लस 2 alpha फाइंड करना है और थीटा कितना है 100 pi। चलो सॉल्व करते, ये कितना आया बच्चों 100 pi² ये कितना आया 900 pi² बरोबर है, आणि हे किती आलं 200 pi × alpha। अभी जैसे चाहिए वैसे सॉल्व करो, मैं ना एकदम थोड़ा सिस्टमैटिक फटाफट कर लेता हूं, 0 0 0 0 0 0 तीनों टर्म फिर था कैंसिल कर दिया। अच्छा 1 pi कैंसिल, इसका 1 pi कैंसिल, इसका 1 pi कैंसिल, क्या कर दिया सर ने,
इजी है यार, इधर का सब में हर टर्म में जीरो था, कैंसिल कर दिया, पाई कैंसिल कर दिया। तो देखो क्या बचा, जैसे आपको चाहिए वैसे सॉल्व करो, कैलकुलेशन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सो दिस इज पाई है ना, इसका आंसर पाई आया, इसका आंसर कितना आया 9 पाई है ना, और इसका आंसर कितना आया 2 अल्फा। आ जा तो ये हो गया माइनस 8 पाई इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 को यहां लेके जाओ तो अल्फा का आंसर माइनस 8 पाई अपॉन 2, 2 वन जा 2 फोर जा, फाइनल आंसर इज माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर पाई का वैल्यू आपने डाला रहेगा, कितना है पाई का वैल्यू आपको पता है ना, 3.14 है कि नहीं, अगर पाई का वैल्यू डाला रहेगा तो इसका आंसर आएगा माइनस 12.56 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितने इनको राइट आया, ठीक है, तो बहुत इजीली हमने ये सम को सॉल्व किया। आई होप नाउ यू आर गेटिंग सम कॉन्फिडेंस, यू आर गेटिंग सम कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट सम ट्राई करो। Yes, किया आपने सम सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट सम था, बहुत जबरदस्त सम है। कैसे सॉल्व करना है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड, बट यू हैव टू ट्राई। इफ यू आर नॉट ट्राइड प्लीज गो बैक सॉल्व इट एंड देन कम टू इट। रॉन्ग भी होना जरूरी है स्टार्टिंग में, आपको समझेगा गलतियां कहां होंगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक डिस्क है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक डिस्क है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 50 rpm। अभी ये तो आपको समझ में आ रहेगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 rpm। अच्छा फ्रीक्वेंसी 50 rpm दी है तो मैं यहां पे फाइंड करूं ओमेगा चलेगा क्या, चलो बाद में फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 rpm और वो एन नॉट है, इनिशियल इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। और फिर उसने क्या दिया, देखो स्लो डाउन हो गया, 5 सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 25 rpm। सिर्फ मुझे आप इतना बताओ, ओनली यू लेट मी नो कि जब वो 50 rpm से 25 rpm हो रहा है तो मुझे जब मैं अल्फा फाइंड करना ही पड़ेगा, ओके तो अल्फा का आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सांगा बाबू प्लस इनर की माइनस इनर, तो आंसर है माइनस आएगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है, डिसेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो अल्फा माइनस में ही आएगा। और कितने टाइम में हुआ ये, कितने टाइम में हुआ 5 सेकेंड में, ओहो 5 सेकेंड में हुआ। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। सबसे तो मुझे पहले फाइंड करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन दिस टाइम, है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन दिस टाइम, इसको N1 बोलता हूं। फिर हमें फाइंड करना है ओके टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट फ्रॉम 25 rpm, दिस आरपीएस है, आई एम वेरी सॉरी आरपीएस, इसको हम टी बोलते हैं। और तीसरा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन रिमेन इन टाइम टी, ये टाइम टी है, इसको T1 बोल देते हैं, इन टाइम T1, क्योंकि एक ही सारे चीज है तो सिंबल्स थोड़े अलग ले रहा हूं, कोई बड़ा बात नहीं है, आप जैसा चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने इधर N1 और इधर मैं लिख देता हूं N2, नंबर ऑफ, क्योंकि दो बार नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए ना, तो मैंने N1 N2 लिखा, थोड़ा सिस्टमैटिक रखूंगा, नहीं करना है चलेगा, हेडिंग डालना पड़ेगा अभी हर टाइम, तो मेरे को ये तीन चीज यहां पे फाइंड करनी है। सबसे पहले तो 50 rpm से 25 rpm, जब वो 50 rpm से 25 rpm है कितने रिवोल्यूशन किया, कितने रिवोल्यूशन किया, पहले इस पे फोकस करते हैं, फिर बाकी आगे का बात देखते हैं।
ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मुझे जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है, आई विल फाइंड ओमेगा नॉट 50 है तो 2 पाई एन नॉट है ना, फॉर्मूला दिया ना अभी पहले वाले सम देखे रहेंगे, तो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना है, ओमेगा आएगा 2 पाई एन, एन की वैल्यू 25 है तो ये आ जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट मिला, ओमेगा मिला, ओके। अगर मुझे एन वन निकालना है, अगर बच्चों मुझे एन वन निकालना है, सिंपल है ना, थीटा फाइंड करो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कहां से मिलेगा, थीटा से मिलेगा, थीटा फाइंड करते हैं। तो लेट अस सी, फ्रॉम हेडिंग डाल रहा हूं तो भी मैं हेडिंग डाल रहा हूं, फ्रॉम 50 rpm टू 25 rpm, ये वाली सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन, ये पहला केस है, ओके, ये फर्स्ट केस है। चलो फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है ना। और प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ये फाइंड करने जाऊंगा तो अल्फा कहां दिए, अल्फा नहीं दिए, तो ये मैं डायरेक्ट यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप लिख भी देते हो तो यू अंडरस्टैंड, नहीं बाबा अल्फा अभी तक फाइंड करना बाकी, अल्फा नहीं दिया। तो ओमेगा है, अभी मैंने इक्वेशंस नहीं लिखे, अल्फा फर्स्ट काइनेमेटिक्स आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, टाइम पता है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचो, टाइम अगर पता है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचो, तो फर्स्ट इक्वेशन से इजीली आंसर आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 50 पाई। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 पाई। अल्फा फाइंड करना है, टाइम कितना है, 5 सेकंड। इसको यहां लेके जाओ तो -50 पाई अपॉन 5 है ना, अल्फा इंटू 5 है तो 5 इधर जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। तो फॉर अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 1 5 10 -10 पाई। यूनिट लिखना मत भूलना, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट लिखना मत भूलना, रेडियन पर सेकेंड, ओके। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका अल्फा। अब आप यूज कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है। ओमेगा नॉट कितना है, 100 पाई। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड प्लस हाफ। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -10 पाई। और टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। चलो सॉल्व करते हैं, 2 1 2 5 तो ये आ गया 500 पाई माइनस 125 पाई जो कि है 375 पाई। ये किसकी वैल्यू हो गई, थीटा की। और थीटा के बदले हम क्या डाल सकते हैं, याद करो 2 पाई एन वन नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, तो एन वन निकालना काफी इजी है ना यार, 375 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 187.5। इतने रिवोल्यूशन वो करेगा, कितना, 187.5। सिंपल, जैसे पहले वाले सम्स किए वैसे किए। अभी एन कैपिटल एन फाइंड करो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब दिमाग में डाल दो यार, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मुझे थीटा से ही मिलेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मुझे कहां से मिलेगा, थीटा से ही मिलेगा। सो मैंने थीटा फाइंड करके सॉल्व किया, ओके। नंबर है तो यूनिट का जरूरत नहीं। अभी सिचुएशन देखो क्या है, 50 rpm से 25 rpm पहला सिचुएशन है, उसमें टाइम कितना लगा भाई, 5 सेकंड लगा, और कितने रिवोल्यूशन किए हमने ढूंढा, 187.5 है ना। तो ये वाला पार्ट कवर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि रिमेनिंग टाइम जो है, मतलब 25 से 0 में उसको कितना टाइम लगेगा और उसने कितने रिवोल्यूशन किए, ये फाइंड करना है, समझा। तो कितना टाइम लगा फाइंड करना है और कितने रिवोल्यूशन किए फाइंड करना है। अभी बच्चों अब मैं मोशन यहां से लेके यहां तक ही देख रहा हूं, ऐसा सोचो मैं ये भगत नहीं है, स्टार्टिंग में क्या छोड़ दो, मैं देखा भाई 25 से चालू हो रहा है, 25 से चालू हो रहा है और जीरो पे खत्म हो रहा है, मेरे दिमाग में यही बात है। This is the only thing which I understand, कि I'm starting from 25 and I end at 0. तो पहले केस में मुझे ध्यान ही नहीं है, मैं देखूंगा ही ना इस चीज को यार, मुझे नहीं रहना इसको, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा बता, इनिशियल, और ये मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल, क्योंकि मैं ये देख ही नहीं रहा हूं, मैं मोशन यहां से यहां पे निकाल दिया, मैं सोच रहा हूं यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया, इनिशियल, और ये मेरा क्या बन गया, फाइनल।
ये बहुत जरूरी है काइनेमेटिक में, इसलिए बच्चे अटकते हैं, काइनेमेटिक डिफिकल्ट लगता है। तू कौन से हिस्से को सॉल्व कर रहा ना, ये तेरे दिमाग में क्लियर चाहिए, तब सॉल्व होगा। अभी पहले मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो उसके हिसाब से सिंबल्स लिए, अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ सेकेंड पार्ट आई विल कंसिडर फ्रॉम 25 आरपीएस टू 0। अल्फा तो कॉन्स्टेंट ही है, तो अल्फा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसके लिए अलग से अल्फा निकालने का जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अल्फा, राइट। अल्फा ऑलरेडी आपल्याला भेटलेला आहे पूर्ण मोशनचा, सो व्हाट वी वांट इज टाइम एंड दिस। तो चलो स्टार्ट करते, क्या क्या पता है, अल्फा पता है, ओमेगा भी पता है सारे। तो पहला इक्वेशन लगाओ, पहला इक्वेशन तो हमें टाइम मिलाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओमेगा का मतलब क्या, फाइनल, यहाँ पे फाइनल कितना है, जीरो। ओमेगा नॉट मतलब क्या, इनिशियल, क्योंकि मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं यहां पे एंड कर रहा हूं, तो ये इनिशियल ही फाइनल है, ये इनिशियल ही फाइनल, ये इनिशियल ही फाइनल, तो ये कितना हो गया, जीरो। इनिशियल क्या है, 25 एक्स का कितना आंसर था, ओमेगा नॉट 25 का क्या 50 पाई था, गड़बड़ मत करना, ये वैल्यू डाल दोगे तो गलती से, ये वैल्यू नहीं डालना है, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू नहीं डालना है। अभी हम कहां से लेके, 25 से जीरो ले रहे, तो ये वैल्यू डालेंगे, तो 50 पाई, अल्फा के आंसर क्या है, माइनस 10 पाई इंटू टी, आ जा बेटा इधर, तो ये प्लस हो गया, 10 पाई टी इज इक्वल टू 50 पाई, तो टाइम कितना आया, देखो टाइम आया 50 पाई अपॉन 10 पाई, दोनों पाई का प्ले, आंसर आला 5 सेकेंड, समझा। तो ये हमने क्या लिया है, टी वन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, टी वन, तो टी वन का आंसर कितना है, 5 सेकेंड। अभी नंबर ऑफ इक्वेशन के लिए सेकंड काइनेमेटिक लगा, चलो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, ये टी वन ले लेते हैं। अभी ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल, इनिशियल मतलब 25 वाला आंसर, कहां पे 50 पाई, तो ये है 50 पाई इनटू 5 प्लस हाफ इनटू माइनस 10 पाई, है ना, इनटू 5 का स्क्वायर कितना होता भाई, 25 होता है, T1 square ना, 5 का square 25, 2 1s are 2 5s are, तो ये 250 pi minus 125 pi, आंसर कितना आया, 125 pi, ये किसका आंसर है, थीटा का, थीटा के बदले क्या लिख सकते, 2 pi n2, है ना, थीटा वाली क्या लिख सकते, 2 pi n2, तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, 125 pi upon 2 pi, दोनों pi काप ले, आंसर कितना आएगा, that is 62.5, इतने रिवॉल्यूशन किया। तो ये हमारा एक आंसर है, यहां पे ये हमारा एक आंसर है, ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। दो तीन बार सम सॉल्व करो, दो तीन बार ग्रिप, जब तक ग्रिप नहीं अपना सॉल्व करो, सॉलिड सॉलिड, फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, चल सॉल्व कर, और डिस्क्रिप्शन में दिया है देख, वो डाउनलोड करो, और उसमें और एक्स्ट्रा सम्स दिए वो भी सॉल्व करो, so that आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। I want your solving sums, उसके बिना आगे वाले मॉड्यूल पे मत जाना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।